तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के रिश्ते हमेशा से ही प्रगाढ़ रहे, आने वाले वक्त में भी ये यूं ही बरकरार रहेंगे। और साथ ही किस तरह से देश में भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जा रही है, इस बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमेशा से ही हमारा एजेंडा रहा था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाए, भाई भतीजावाद यहां पर ना हो। ट्रिपल तलाक बिल पर किस तरह से उनकी सरकार ने काम किया है मुस्लिम महिलाओं के हित में, ये भी वहां पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जनादेश सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं मिला है, बल्कि सरकार के अभी सिर्फ 75 दिन पूरे हुए हैं और इसमें भी बड़ी चीजों पर सरकार ने काम किया है, बड़े फैसले लिए हैं। नया भारत आशाओं और आकांक्षाओं से भरा हुआ है और इस आकांक्षाओं पर मोदी सरकार खरा उतरना चाहती है। हमने तीन तलाक को खत्म किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात अपने संबोधन में कही। एक अमानवीय कृति, नारी का सम्मान और उसके जीवन भर ट्रिपल तलाक की तलवार लटकती रहे, हमने इसे खत्म कर दिया दोस्त। कोई माने या ना माने, कोई लिखे या ना लिखे, कोई बोले या ना बोले, कोई बोल पाए या ना बोल पाए, लेकिन इन करोड़ों बेटियों के आशीर्वाद आने वाली सदियों तक भारत का भला करने वाले हैं। मुस्लिम बहन बेटियों के साथ ऐसा अन्याय नया हिंदुस्तान कैसे स्वीकार कर सकता है? मैं हमेशा हमेशा इसलिए कहता हूं कि अब हिंदुस्तान में टेम्पररी के लिए व्यवस्था नहीं है। आपने देखा होगा 125 करोड़ का देश, गांधी और बुद्ध की धरती, राम और कृष्ण की भूमि, टेम्पररी को निकालते निकालते 70 साल चले गए। टेम्पररी को निकालने में 70 साल, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है हंसना कि रोना। पिछले 60 साल में जितने भी पार्लियामेंट के सत्र हुए उसमें जितना काम होता था एक एक सत्र में, उससे ज्यादा काम इस बार हुआ है। ये क्यों हुआ, क्यों हुआ? नहीं नहीं क्यों हुआ? अरे मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए नहीं हुआ है। ये इसलिए हुआ कि देश की जनता ने थप्पा लगाया। ये 125 करोड़ देशवासियों की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है और उसका दबाव होता है जो देश हित के काम करने के लिए हर किसी को प्रेरित भी करता है, मजबूर भी करता है। साथियों, नए भारत में थकने रुकने का सवाल ही पैदा नहीं है।
नई सरकार को बने ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ 75 दिन हुए हैं, 100 दिन होना बाकी है। और ये दिन तो किस चीज के लिए होते हैं? सरकार बनने के बाद स्वागत सम्मान होते, फूल मालाएं होती हैं, जय जयकार चलता है। हम उस चक्कर में नहीं पड़े, सिर्फ 75 दिन है पूरे हुए हैं, लेकिन स्पष्ट नीति और सही दिशा के मंत्र से प्रेरित होकर एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले लिए गए हैं। इन दिनों पेरिस राम में रम गया है, पूज्य बापू की निश्रा में सब लोग राम की भक्ति में डूबे हैं। और जो इंद्र के सामने भी कथा का समय नहीं बदलते हैं, आज नरेंद्र के लिए उन्होंने कथा का समय बदल दिया। और उसका कारण बापू के रग रग में राम भक्ति भी है, राष्ट्र भक्ति भी है। आज अगर मेरे पास समय की सुविधा होती तो मैं जरूर उनकी चरण वंदना करने जाता, लेकिन मैं यहां से भी पूज्य बापू का धन्यवाद भी करता हूं, उनको नमन भी करता हूं। आप सभी जानते हैं कि 7 सितंबर को हम सभी का चंद्रयान चांद पर उतरने वाला है। इस उपलब्धि के बाद चांद पर उतरने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। भारत और फ्रांस एक दूसरे के लिए लड़े भी हैं और जिए भी हैं। दोनों देशों ने कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों से मुकाबला किया है। यही वो धरती है जहां प्रथम विश्व युद्ध में 9000 भारतीय सैनिकों ने फ्रांस के सैनिकों के साथ मानवता के पक्ष में लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और यहां रहने वाले हर हिंदुस्तानी को ये 9000 का आंकड़ा कभी भूलना नहीं चाहिए। हमने फासिज्म और एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला भारत में ही नहीं बल्कि फ्रांस की धरती पर भी किया है। हमारी दोस्ती ठोस आदर्शों पर बनी है। दोनों देशों के चरित्र का निर्माण लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के साझा मूल्यों से हुआ। आज अगर भारत और फ्रांस दुनिया के बड़े खतरों से लड़ने में नजदीकी सहयोग कर रहे हैं तो उसका कारण भी यह साझा मूल्य ही है। चाहे वह आतंकवाद हो या फिर क्लाइमेट चेंज, लोकतंत्र के मूल्यों को इन खतरों से बचाने की हमारी
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने भली भांति स्वीकारा है। दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बातें तो बहुत होती हैं, मगर उन पर एक्शन होता हुआ कम दिखता है। हमने और फ्रांस ने साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तो इस संबोधन के बाद भी रुके नहीं है, थमे नहीं है प्रधानमंत्री। रवाना हो रहे हैं यूएई के लिए उनका तयशुदा कार्यक्रम, जहां पर यूएई में उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। तो ये आप देख रहे हैं एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अब वो यूएई के लिए उड़ान भरेंगे। अब से कुछ ही देर पहले वो संबोधित कर रहे थे भारतीय समुदाय के लोगों को, लेकिन अब यूएई की ओर उड़ान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वहां पर भी तयशुदा कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। और ये देखिए, अपने चिर परिचित अंदाज में प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ जोड़ते हुए फ्लाइट में, एयर इंडिया की फ्लाइट जिससे यूएई रवाना होंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।